Hey guys, Nawazir from thenerdhorn.com और ये है Westworld Season 3 Episode 5 का recap. पिछले episodes के recap के लिए description box में दिए गए links को check करें. Episode 5 में हम सिराक और रहबोम के बारे में ज़्यादा detail में जानेंगे कि सिराक ने रहबोम को कब, कैसे और क्यों बनाया था. जैसे कि हमने पिछले episode में देखा था, सिराक पेरिस का रहने वाला था और उसके बचपन में न्यूक्लियर ब्लास्ट की वजह से पेरिस यानी उसका घर तबाह हो गया था. सिर्फ पेरिस ही नहीं, उस वक्त सारी दुनिया में अफरा तफरी मची हुई थी. सिराक को लगता था कि इन इंसानों को काबू में करने के लिए एक पावरफुल सिस्टम की ज़रूरत है, एक एआई गॉड. सिराक और उसका भाई फिर डेम्सी के पापा की फंडिंग को यूज़ करके रहबोम पर काम करना शुरू करते हैं. वेस्टवर्ल्ड के मेकर्स जब भी कोई स्पेशल नाम या फिगर यूज़ करते हैं उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई डीप मीनिंग होता है. रहबोम की भी कहानी बिल्कुल सेम है. अगर रिलीजियस किताबों की माने तो रहबोम जूडा का पहला राजा और किंग सोलोमन यानी सुलेमान का बेटा था. सोलोमन एक काफ़ी पैसे वाला और होशियार राजा था जिसके पास बेहद नॉलेज था. सिराक की बनाई हुई मशीन भी ऐसी ही है, काफ़ी होशियार और नॉलेज वाली, और इससे सिराक जितना चाहे उतना पैसा कमा सकता है. वेट, अगर सोलोमन होशियार और पैसे वाला था तो सिराक ने अपनी मशीन का नाम रहबोम क्यों रखा, सोलोमन क्यों नहीं? वेल, इनिशियली सिराक और उसके भाई ने मशीन का नाम सोलोमन ही रखा था, बट वो उनकी मशीन का फर्स्ट वर्जन था, मतलब इट वॉज नॉट परफेक्ट. सो बाद में सिराक ने अपनी मशीन को अपग्रेड कर दिया और उसका नाम बदलकर रहबोम रख दिया, मतलब सोलोमन का नेक्स्ट वर्जन. इट्स लाइक 1+8 और 6 महीने बाद आने वाला अपग्रेडेड 1+8T. सिराक और उसकी बनाई हुई मशीन को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये भी होस्ट के पर्ल की तरह दिखती है, जो कि मैंने ऑलरेडी फर्स्ट एपिसोड में बताया था. बट इसको और अच्छे से देखने के बाद आपको इसके अंदर कुछ रेड सेक्शंस भी दिखेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे बर्नार्ड के पल में थोड़ा रेड कलर था. तो क्या इससे वेस्टवर्ल्ड के क्रिएटर्स हमें हिंट देना चाहते हैं कि इस मशीन के अंदर भी एक टाइप की ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, या फिर घर बैठे बैठे मेरा दिमाग कुछ ज़्यादा ही सोचने लगा है? एनीवेज, जैसा कि मैंने कहा था, सोलोमन परफेक्ट नहीं होता, उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं. इन प्रॉब्लम्स को देखकर डेम्सी का बाप बहुत डिसअपॉइंटेड होता है और इस प्रोजेक्ट को बंद करने का डिसीजन लेता है. बट फिर सिराक और उसका भाई स्टॉक मार्केट का डेटा इसमें डालकर मिस्टर डेम्सी को एक डेमो देते हैं जिसमें सोलोमन बड़ी आसानी से स्टॉक मार्केट के ट्रेंड को प्रेडिक्ट करता है. इतना ही नहीं, इस मशीन की मदद से ये लोग स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं. ये देखकर डेम्सी का पापा बहुत खुश होता है और इन्हें प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने के लिए और फंडिंग देता है. सोलोमन के फेल होने के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न होता है इंसान और उनके बिहेवियर्स. सारे इंसानों का डेटा मशीन में डालने के बावजूद भी सिराक ब्रदर्स को पता चलता है कि इनकी मशीन 100% ह्यूमंस का दिमाग नहीं पढ़ पाती. दुनिया में मौजूद कुछ केलब जैसे लोग हमेशा अपने लूप से निकलने की कोशिश करते रहते हैं, जिसकी वजह से इनके मशीन में ज़बरदस्त डिस्टर्बेंस आते हैं, और इस डिस्टर्बेंस को हम सूरज ग्रहण यानी इक्लिप्स की मदद से देख सकते हैं. ये जो रहबोम का यूज़र इंटरफेस है, ये एक टाइप का सूरज ग्रहण है. डिस्टर्बेंस आते ही लंबे किरणें पीक करने लगती हैं और इसी पीक को डिटेक्ट करके और उसका लोकेशन पता लगाकर रहबोम डिस्टर्बेंस हैंडल करता है. जीनियस. बाय द वे, अपने जैसे ही एक वेस्टवर्ल्ड फैन ने इस यूआई के ढेर सारे एनिमेटेड वॉलपेपर्स बना के रखे हैं फॉर योर फोन, डेस्कटॉप एंड इवन स्मार्ट वॉच. इंटरेस्टेड हो तो मैं उसके डाउनलोड लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. ऐसे ही एक स्मार्ट वॉच सिराक पहनता है जो टाइम तो नहीं दिखाती, बट उसकी मदद से वो रहबोम का डिस्टर्बेंस चेक करता रहता है. इट्स लाइक अ वेदर विजेट. आज का तापमान काफ़ी क्लाउडी है और जल्द ही डेलोरस का आप पे कहर बरसने वाला है. सिराक और उसका भाई फिर डिसाइड करते हैं कि इस डिस्टर्बेंस का सलूशन बस एक ही है, या तो केलब जैसे लोगों को वॉर्स में भेजकर मरवा देना, या उनकी दिमागी हालत ख़राब बताकर उन्हें इस टाइप के स्पेशल केयर सेंटर्स में बंद कर देना. सालों बाद धीरे धीरे सिराक के भाई की भी दिमागी हालत ख़राब होने लगती है और इनकी मशीन उसका भी नाम इन डिस्टर्बेंस पैदा करने वाले लोगों के लिस्ट में डाल देती है. अपना भाई होने के बावजूद भी सिराक डिस्टर्बेंस को हैंडल करने इसे भी उस स्पेशल केयर सेंटर में एडमिट कर देता है. जैसे ये बात मिस्टर डेम्सी को पता चलती है, वो बहुत गुस्सा हो जाता है कि स्टॉक मार्केट तक तो ठीक है, बट तुम इस मशीन के भरोसे लोगों की जिंदगियों के साथ नहीं खेल सकते, और वो उस प्रोजेक्ट को फिर से बंद करने का डिसीजन लेता है. सिराक फिर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने मिस्टर डेम्सी को मारने का प्लान बनाता है और एक सुमसान एरिया में जाकर पहले डेम्सी का प्लेन क्रैश करता है और फिर उस प्लेन के मलबे पर डेम्सी का सर क्रैश कर देता है. तो ये हो गई सिराक और रहबोम की बायोग्राफी. अब चलते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहां सिराक जाकर ब्राज़ील के प्रेसिडेंट को धमकी दे रहा होता है. सिराक ने रहबोम की मदद से अपनी सेटिंग लगाकर इसे प्रेसिडेंट बनाया होता है. ये लोग बेसिकली हमें दिखाना चाहते हैं कि सिराक अब इतना पावरफुल है कि दूसरे कंट्री में घुस के वहाँ के प्रेसिडेंट को भी धमकी दे सकता है.
डेलोरेस के डेम्सी जूनियर को जिंदा रखने के पीछे का मेन रीजन होता है उसके पास मौजूद रिहोबोम की एक्सेस की। डेलोरेस इससे एक्सेस की चाहती है ताकि वो रिहोबोम के अंदर का डेटा एक्सेस कर सके। उधर डेम्सी अपने पास मौजूद जॉनरा ड्रग्स की मदद से केलब पर हमला कर देता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, बट समय रहते डेलोरेस उसे पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है। केलब भैया अब पूरी तरह जॉनरा ड्रग के नशे में होते हैं। इस ड्रग्स का नाम जॉनरा होता है क्योंकि इसको लेने के बाद आपको भी एकदम मूवी जॉनरास की तरह मूड स्विंग्स आने लगते हैं। केलब का दिमाग पहले ट्रिप होकर ब्लैक एंड व्हाइट ड्रामा जॉनरा में जाता है। तभी अचानक सिरा के आदमी इनको ढूंढ लेते हैं और इनकी गाड़ी हैक करके इन पर हमला कर देते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर डेलोरेस डेम्सी से रिहोबोम की एक्सेस की ले लेती है कि अगर तुझे जिंदा रहना है और सिरा के भेजे हुए आदमियों से बचना है तो मुझे वो एक्सेस की ट्रांसफर कर दे। डेलोरेस फिर उनकी गाड़ी का कम्युनिकेशन सिस्टम निकालकर उसे सर्वर से डिस्कनेक्ट कर देती है और अपने वॉइस कमांड से चलाने लगती है। सिरा के आदमी अभी भी इनका पीछा कर रहे होते हैं कि तभी केलब का जॉनरा चेंज हो जाता है और वो एक्शन मूवी वाले मूड में चला जाता है। डेलोरेस फिर केलब को एक ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर थमाती है जिसकी मदद से वो एक गाड़ी को उड़ा देता है। फिर ये दोनों मशीन गन्स लेकर सिरा के आदमियों पर टूट पड़ते हैं। केलब का दिमाग फिर से ट्रिप मारता है और अब ये रोमांटिक मूड में चला जाता है और इसे सब कुछ वार्म फजी और स्लो मोशन में दिखने लगता है। गोलियां चलाना छोड़कर भाई अब डेलोरेस को घूरने लग जाता है। फिर डेलोरेस अपनी ऑटोमेटिक मोटरसाइकिल यूज़ करके दुश्मनों की आखिरी गाड़ी को भी उड़ा देती है। इस मिशन को हैंडल करने के लिए डेलोरेस उस रिको ऐप की मदद से केलब के पुराने दोस्तों को भी हायर करती है जो इसे देखते ही समझ जाते हैं कि भाई तो फिलहाल सातवें आसमान पर है। डेलोरेस फिर उसे एक्सेस की को अपने बॉडीगार्ड को भेज देती है जो इनसाइट में बर्नार्ड के साथ होता है। ये बॉडीगार्ड फिर उस की को यूज करके डेलोरेस के कहने के मुताबिक रिहोबोम का सारा डेटा पब्लिक कर देता है, मतलब सबके फोन में उनका फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट सब कुछ चला जाता है। अब सारे जान जाएंगे कि उनकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार इनसाइट यानी रिहोबोम यानी सिराक है। एज एक्सपेक्टेड इस डेटा के पब्लिक होते ही दुनिया में बवाल मच जाता है और लोग तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। रिहोबोम फिर जबरदस्त डिस्टरबेंस डिटेक्ट करता है जिसको देखकर सिराक की खटिया खड़ी हो जाती है। सिराक फिर गुस्से में अपने आदमियों को इनसाइट और डेलोरेस के पीछे लगा देता है। इनमें से दो लोग जाकर केलब पर ओपन फायर कर देते हैं बट फिर डेलोरेस बीच में आकर सारी गोलियां अपने ऊपर ले लेती है और उन दोनों को मार देती है। केलब ये देखकर पागल हो जाता है और बोलता है व्हाट जस्ट हैपेंड। डेलोरेस फिर एक बैडास की तरह अपने जैकेट की चैन लगाती है और बोलती है नथिंग हैपेंड हियर। सिराक के आदमी फिर उस बॉडीगार्ड को ढूंढते इनसाइड पहुंच जाते हैं जो बर्नार्ड को बोलता है कि तू यहां से चला जा, तू यहां पर सेफ नहीं है, मेरा काम हो गया और मैं मरने के लिए तैयार हूं। हम हमारी अनलिमिटेड कॉपीज बना सकते हैं बट तू स्पेशल है, तेरी कोई कॉपी नहीं बना सकता। इसके दो मीनिंग हो सकते हैं, पहला कि हमारा शक सही था और बर्नार्ड में अर्नाल्ड की कॉन्शियसनेस भी है इसीलिए वो बाकी सबसे स्पेशल है। दूसरा, सिराक जिस सीक्रेट की तलाश में है वो डेलोरेस के डिजिटल माइंड में नहीं बल्कि बर्नार्ड के डिजिटल माइंड में है। हो सकता है कि डेलोरेस ने इसे इसीलिए जिंदा किया होगा अपने प्लान का हिस्सा बना के। ये बॉडीगार्ड डेलोरेस फिर सिराक के लोगों को अपने ऑफिस में ले जाता है। सिराक भी इधर वीडियो कॉल के थ्रू आया होता है। ये बंदा फिर इनको बोलता है कि सारे प्रॉब्लम के पीछे मेरा ही हाथ है और सबको अपने डेस्क के नीचे लगे बम से उड़ाकर मार देता है। बर्नार्ड और एशली जो बर्नार्ड को ढूंढते हुए यहाँ पहुंच गया था इनसाइड से बाहर निकलते हैं और बाहर का माहौल देखकर हैरान हो जाते हैं कि भाई ये क्या कर दिया डेलोरेस ने। डेलोरेस और उसकी टीम अपने मिशन को पूरा करके अपने अपने रास्ते नाप लेते हैं पर इसी दौरान डेम्सी इन पर भड़क पड़ता है कि सिराक सही कहता था, तुम जैसे चोर उचक्कू की वजह से ये दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी और आखिर तुमने अपने औकात दिखाई थी। ये सुनते ही केलब के पार्टनर उसे सीधा गोली मार देती है और बोलती है कि ले ये है मेरी औकात। केलब जाकर उसे बचाने की कोशिश करता है बट इट्स टू लेट नाउ। मरने से पहले डेम्सी केलब को बोलता है कि तू भी कोई दूध का दूल्हा नहीं है भाई, तू भी उतना ही करप्टेड है। और फिर केलब को कुछ अजीब अजीब से फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। सस्पेंस। डेलोरेस फिर केलब को वहां से लेकर चली जाती है। डेलोरेस के पास रिहोबोम का अब सारा डेटा है जिसमें सिराक की इन्फॉर्मेशन भी शामिल है। इसी डेटा की मदद से डेलोरेस खड़े खड़े सिराक की सारी बायोग्राफी पढ़ लेती है। सिराक फिर डेलोरेस को वीडियो कॉल करके मांडोली करने की कोशिश करता है बट वो उसे धमकी देकर वहां से चली जाती है। केलब को अब डेलोरेस के प्लान पर थोड़ा डाउट आने लगता है कि यार आखिर ये बंदी चाहती क्या है, सबका डेटा रिलीज करके ऑलरेडी इसने सारी दुनिया में हंगामा मचा दिया है, अब और क्या चाहिए इसको। बट डेलोरेस इसको समझाती है कि सबको रिहोबोम की सच्चाई जानने का हक था, मैं सारे इंसानों को आज़ाद करना चाहती हूँ बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने सारे होस्ट को आज़ाद किया था। फिर ये दोनों एक प्राइवेट जेट में बैठकर वहां से वेस्ट के लिए उड़ जाते हैं और यहां होता है एपिसोड 5 खत्म।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोज़ बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वन।